13.9 चल रही है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी हम, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अब कैसे करना है इसको? अब ई है, हमने के लिए कहता है इसको हल करें, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे इनटू ई टू के। इस तरह इधर भी नेचुरल लॉग आ चुका, ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा टू के और इधर ये आ जाएगा फोर के। अगर हम फैक्टर बना लें, टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार टू, टू की पावर टू होता है, ठीक है? अब हमें k चाहिए, तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? अब log क्या करता है, जो पावर होती है log पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है साइड के ऊपर, ठीक है? यानी ये जो पावर है ये इस तरफ आ जाएगी ऐसे log 2, ओके? log जो है वो पावर को इधर साइड पे शिफ्ट कर देता है। नाइन्थ क्लास में आप पढ़ के आए, अगर आपने मैथ साइंस मीडियम पढ़ा हुआ था, टू टू से कैंसिल, तो ये लॉग ऑफ टू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पहले लॉग ले लिया नेचुरल लॉग ई कैंसिल करने के लिए, उसके बाद ये फोर के फैक्टर बनाए, टू की पावर टू, पावर को लॉग साइड पे ले आता है, लॉग टू बचा, टू टू से कैंसिल, लॉग टू आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है 100 ई के पावर 10 के इक्वल टू 200। अच्छा, ये आपने चीज़ याद रखनी है, सिर्फ ई वाला होना चाहिए इधर, बाकी उधर शिफ्ट कर दें, तो ये 100 है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? 2020 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो है 2, ठीक है? अब हमने क्या करना है, सिंपल नेचुरल लॉग ले लेना है ई को कैंसिल करने के लिए, 10 के इक्वल टू इधर भी नेचुरल लॉग, ई और लॉग आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचा 10 के और इधर बचा लॉग ऑफ 2, ठीक है? अब हमें तो सिर्फ के चाहिए था, तो ये जो 10 है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 लगा लें इंटू लॉग ऑफ 2, ठीक है? इसके नीचे भी लिख सकते हो, इतने कोई इशू की बात नहीं, लेकिन जो कि आंसर इस फॉर्म में, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, 100 को पहले इधर आके डिवाइड कर दिया, 100 टू ज़ार 200, फिर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने, लॉग और ई आपस को कैंसिल कर देते हैं, 10 के बचा उधर लॉग 2, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है जी? ये था सेकंड वाला पार्ट। उसके बाद है जी थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है ई की पावर के ओवर 1000 इक्वल टू ए। उसी तरह दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेना, के ओवर 1000, इधर भी लॉग आ गया, ठीक है? ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये के ओवर 1000 इक्वल टू लॉग ऑफ ए। अब ये 1000 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक हो गया? दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग और ई फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आ गया के ओवर 1000, 1000 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, ई की पावर 0.3t इक्वल टू 27। सिंपल लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी लॉग ले लिया, 27 के साथ ही फैक्टर भी बना के कर लो, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 की पावर 3। ई और लॉग कैंसिल, तो ये आ गया 0.3t, और ये पावर ये इधर साइड पे आ जाएगी इंटू लॉग ऑफ 3,
ओके अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ तो 1 लगेगा और एक इंच है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी क्लासों का कंसेप्ट है। पॉइंट जब ख़त्म किया जाए तो उसकी जगह 1 लगता है नीचे और दाएं तरफ जितने हिंसे हों। अब टी हिंसा नहीं है, वो एक वेरिएबल है। ओके, ये 3 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ऐसे जब लिखें इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस था सवाल में, तो ये माइनस ऐसे साथ साथ आता जाएगा और इधर आ जाएगा लास्ट पे फिर। ठीक है, पहले हमने लॉग फंक्शन नेचुरल लिया दोनों तरफ, उसके बाद लॉग और ई कैंसिल हो गए, ये ऐसे नीचे आ गया। इधर 27 के हमने फैक्टर बना लिए, 3 की पावर 3 बना, पावर साइड पे आ गई log 3। और फिर इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया तो 3 3 से कैंसिल, चाहे उधर जाके भी काट सकते डिवाइड। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, e की पावर kt इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, kt इंटू नेचुरल लॉग 1/2, तो ये ख़त्म हो जाएगा kt। अब बेटा गौर से सुनिएगा, ये हमने 9th में पढ़ा था, जो लॉग होता है ऊपर वाली का लॉग नीचे वाली के साथ माइनस लॉग लग जाता है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ लॉग और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो माइनस लॉग बन जाती होती है। ठीक है, अब जो लॉग 1 होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, आपने इधर कैलकुलेटर से यूज़ कर लेंगे तो ये, ठीक है, इस तरह ये तो हो जाएगा हमारा 0, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस लॉग ऑफ 2। और अब चूँकि हमने इस सवाल में टी के लिए हल करना है तो के को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो के जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सेकंड पार्ट भी हमने हल कर लिया। नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लिया, लॉग और ई फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, kt लॉग ऊपर वाली माइनस लॉग नीचे वाली हो जाती है, लॉग 1 0 होता है ये वैसे ही आ जाएगी, फिर ये के इधर आके डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर। वो क्या है, ई की पावर लॉग ऑफ 0.2 t इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो लॉग नेचुरल दोनों तरफ ले लिया, लॉग ऑफ 0.2 t इक्वल टू लॉग ऑफ 0.4। ठीक है, तो e और log ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये log ऑफ 0.2 t और इधर भी क्या आ गया, log ऑफ 0.4। ठीक है, अब log जो होता है वो पावर को साइड पे शिफ्ट कर देता है, तो ये बाकी रह जाएगा 0.2 और इधर आ जाएगा log ऑफ 0.4। अब ये log ऑफ 0.4 और ये 0.2 जो है वो इधर आकर log, ये पूरी रकम इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बुक में के लिखा हुआ लेकिन के कहीं से नहीं आ सकता। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहले हमने नेचुरल लॉग दोनों तरफ ले लिया, ई और लॉग आपस में कैंसिल, पावर नेक्स्ट ये नीचे आ गया, पावर साइड पे शिफ्ट होगी लॉग की वजह से और ये फिर इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो ज़रूर पूछा करें। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो भी कमेंट ज़रूर किया करें, समझ आई नहीं आई। ठीक है।